दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? तो आज चले गए हैं बच्चे स्कूल और आज दोनों का फर्स्ट पेपर है। और टिंटिन तो आने वाला है, 11 बजे का उसका पेपर हो जाएगा और शायद घर आ जाएगा वो। और चीकू अपने स्कूल टाइम पे ही आएगा। और मैंने भी अपना काम शुरू कर दिया है घर का, फटाफट से कर दूंगी काम इतना जल्दी हो सकेगा। मेरा किचन का काम खत्म हो जाएगा, घर का काम मतलब जो कपड़े मशीन लगा रखे मैंने कपड़ों की वो भी हो जाएगी। और अभी बर्तन धोने के लिए कर रही हूँ मैं पानी गरम, क्योंकि गरम पानी में फटाफट साफ हो जाते हैं बर्तन। और मेरा गीजर भी है, गीजर तो नया है, ठीक है, मतलब ठीक ठाक है, पर जैसे हम गीजर ऑन करते हैं ना तो फुहारे से अपने आप पानी गिरने लग जाता है। तो ये प्रॉब्लम किसको बताऊं, मतलब प्लम्बर को बताऊं या बिजली वाले को, समझ नहीं आ रही है अभी ये। तो देखते हैं, तो पानी हो गया है गरम, बंद कर देते हैं। और एक साइड लगा रखी है मैंने मशीन कपड़े धोने की। और अभी बेड पे सारे धुले हुए कल के कपड़े रखे हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। पूरी रात भर 1-1.5 बजे तक तो मैं पढ़ाई रही थी टिनटिन को, और फिर वो सुबह जल्दी उठ गया 6 बजे, और आके अभी थोड़ी देर रेस्ट करेगा, सोएगा, तो फिर उसके बाद मैं फिर उसको पढ़ाने बैठा दूंगी। धूप अच्छी आ रही है, ठंडा हो गया थोड़ा मौसम, और यहाँ पे बालकनी में तो हवा चलती रहती है। और यहाँ सामने वाली बिल्डिंग का काम शुरू हो गया, मशीन चल रही है इधर, आवाज आ रही है। तो हमारे सामने वाली जो साइड वाली बिल्डिंग है उसका काम शुरू हो गया, और अब शोर दोबारा शुरू हो गया। एक का काम खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। दिखाती हूँ, पूरा दिखाया नहीं क्योंकि वो खड़े हो रखे थे वहां पे, वो सोचते कि पता नहीं क्यों बना रही वीडियो। तो सीमेंट कर रहे हैं वो वहां पे, मतलब की बिल्डिंग जो है वो थोड़ा झरझर हो गई थी। और देखो यहाँ पे मनी प्लांट कितना अच्छा हो रखा है, और ये पौधे मेरे बालकनी के। बच्चे आ गए स्कूल से, मेरा काम हो गया है और मैं बना रही हूँ अब अपने लिए जूस। अब सुबह सुबह गई थी मैं मंडी और वहां से लेके आई हूँ जूस का सारा सामान, मतलब सब्जियां लेके आई, गाजर, चुकंदर, आंवला। और कीनू देखने गई थी तो कीनू नहीं आए हैं अभी, अच्छे से नहीं आए मतलब। तो अभी इनका मैं जूस बनाऊंगी। ये सब ऐसे काट लिए मैंने, सब मिक्स कर रखा है इसमें, और इसका एक ग्लास जूस निकल ही जाता है। तो चलिए बनाते हैं जूस। ये सारा लाल लाल डालेंगे काला नमक, तैयार है मेरा, ये मेरा नहीं है, सब्जियों का जूस है। और एक तरफ दाल रख दिया मैंने, बच्चों ने हल्का फुल्का तो खा लिया क्योंकि सुबह खा के नहीं गए थे। चीकू तो ले गया था अपने साथ लंच, पर टिंटिन नहीं ले गया था, उसके आके फिर भूख लग रही थी, और बैठ के पीती आराम से। 1:30 बज गए काम करते करते, पता भी नहीं चला। और चीकू को लेने भी गई थी मैं, भागते भागते भूल गई थी, पर फिर दौड़ दौड़ के गई अपना सब काम वाम छोड़ के। तो मिलती हूँ अभी थोड़ी देर बाद आपको। तो टिंटिन आ गया, और कैसा गया पेपर? जैसा आपको पता ही है गाइस, मैं तो प्रॉपर हूँ। चीकू पेपर कैसे गया? दोस्तों बच्चे आ गए हैं और दे दिया उनको खाना वाना, मैं तैयार हो रखी हूँ जाने के लिए। मैं और दीदी एक चक्कर लगा के आएंगे, दिन में आजकल दिन है तो जरा घूमने का भी हो जाता है, कुछ सामान वान जो लाना है वो भी ले आएंगे। हम जा रहे हैं मंगलापुरी, और जाएंगे पैदल पैदल, और पैदल पैदल आएंगे। और मैंने कुछ लेना वहाँ से, वहाँ से चाउमीन लानी, मुझे यहाँ कहीं चाउमीन मिली नहीं बच्चों के लिए, तो मैं वहीं से चाउमीन लेके आऊँगी। और बंद गोभी का मौसम तो आ ही रखा है, तो चाउमीन बनाऊंगी कभी बच्चों के लिए। तो अभी जा रहे हैं, अभी तैयारी हो रखी हो, जब दीदी का फोन आएगा तो हम निकलेंगे तब, और तब तक बच्चे अपने ट्यूशन जाएंगे। आ गए हम मंगलापुरी में, और दीदी है पीछे। तो भाई ये सामान मम्मी लेके आई है, ये हॉट डॉग, चाउमीन, ये राइस केक इंग्लिश में बोले तो, बाकी 2 कुलचे के पैकेट। और आपको तो पता ही है इन सब सामानों की कोई रेसिपी आने वाली है। तीनों है जूस के लिए, और शाम हो गई है, 5:30 हो गए हैं। और ये दरवाजा बंद कर देती हूँ क्योंकि ये देखो बाहर का, तो इलेक्शन आ रहे हैं तो आजकल जगह जगह ढोल सुनाई देते हैं। और गाइस अभी हम जा रहे हैं बीकानेर गोलगप्पे खाने, चुप रहे, चलो चलते हैं। चल
ऐसी बोलता रहता है, इसको कुछ फुर्सत ही नहीं है खाने से। ये दरवाजा बंद कर दूंगी क्योंकि शाम हो गई है और मच्छरों के आने का टाइम हो जाता है, तो इसको बंद कर देते हैं अंदर आ जा। चलो बंद कर दूंगी इसको और जला देते हैं। चलो चाय बनाते हैं, चाय रस खाएंगे बच्चे, उनको लगी है भूख। और मेरे बर्तन वो रखे इतने सारे धोने के लिए, क्योंकि खाना खा के थोड़ी देर बैठ के हम निकल गए थे और वहाँ भीड़ भाड़ रोड की बनाई नहीं मैंने, काफी भीड़ हो रखी थी रोड में। हम तो पैदल ही गए और पैदल आए दीदी और मैं। ये सारा सामान लाएंगे और ये मूंगफली की पट्टी नहीं लाई मैं, लाई हूँ चावल वाली, राइस वाली होती है ना जो, वो अच्छी होती है, वो ज्यादा मीठी भी नहीं होती और अच्छी होती है। और जो गुड़ वाली पट्टी होती है वो बहुत ही ज्यादा मीठी होती है, तो इसलिए वो नहीं लाई मैं। तो मेरे पास मटरा पड़ा हुआ है, तो मैं बनाऊंगी मटरा और कुलचे ले आई हूँ और चाउमीन को स्टोर कर देंगे। तो चलो अभी बनाते चाय। तो चाय बना दी है मैंने, गरीब लोग इन द हाउस गाइस, और रस के साथ खा रहे हैं। तो फिर मैं चाय पीने के बाद मिलती हूँ आपको, क्योंकि मेरे पास तो काम भी बहुत सारा है, अभी बर्तन हो रखे हैं और इनके लिए चाय बनाई है मैंने, और फिर खाने की तैयारी करूंगी रात के। देखते हैं क्या बनाते हैं, ये बोल रहे चाउमीन, तो इतनी देर में चाउमीन बनती कि नहीं बनती। बंद गोभी तो पड़ी है मेरे पास, पर कैप्सिकम वगैरह मतलब शिमला मिर्च नहीं है मेरे पास। तो चलो देखते हैं, अभी आराम से चाय पी ले। तो उन्होंने बोला हम चाउमीन खाएंगे, तो चाउमीन की तैयारी कर रही हूँ। मेरे पास है बंद गोभी है और कैप्सिकम है नहीं मेरे पास, तो मैं यही डालूंगी। बॉयल और ज्यादा करनी, क्योंकि पतली वाली है ये अच्छी होती है और एक मोटी वाली होती है वो अच्छी नहीं होती। तो ये अभी थोड़ी देर में हो जाएगी, इसमें मैंने कुछ नहीं डाला, अभी हल्का सा बस नमक डालूंगी और थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। तो चाउमीन की रेसिपी तो मैंने दिखाई हुई है पहले की, और बना के तभी दिखाऊंगी मैं आपको। मैंने बॉयल सब तैयारी तो सब कर ली है मैंने, और ये दोनों के दोनों पड़ रहे हैं। फटाफट बना दूंगी क्योंकि आज ही यही खाएंगे, उन्होंने बोला हम खाना नहीं खाएंगे तो चाउमीन ही खाएंगे। तो उसमें डाल दूंगी सब्जी, और सब्जी के नाम पे मेरे पास बंद गोभी है, और प्याज डाल दूंगी थोड़े बहुत, और डाल दूंगी हरी प्याज, हरी प्याज है गमले से आ जाएगी वो मेरे यहीं पे। तो चलो मैं तैयारी करती हूँ बनाने की, और फिर मुझे टिनटिन को बैठाना पढ़ाने के लिए, तो जल्दी जल्दी से अपना काम पूरा करती हूँ। और अभी अभी मैंने सारे बर्तन धोए, इतने सारे देखो ढेर ऊपर तक लगा हुआ है। बॉयल चाउमीन में डाल दूंगी नमक, तो हो गई है चाउमीन, हो गई है। इसमें रख दूंगी सारी मैगी, ओह मैगी, बार बार मेरे मुंह पे मैगी आ रही है, तो इसको मैं चाउमीन को जो है इसमें रख देती हूँ। काफी टाइम बाद बना रही हूँ मैं चाउमीन, इसलिए मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैं मैगी मैगी बना बोलने पे लगी हूँ बार बार। तो कहीं अगर ऐसा सुनाई देना आपको मैगी, तो समझ लेना चाउमीन। बंद गोभी भी हो गई है, तो हल्के से पानी में मैंने बॉईल कर दिया था और छान दिया वो भी। और तैयारी करते हैं हम, फिर मैगी आ रहा मेरे मुंह में, फिर मैगी आ रहा। तो चलो मैगी जब बन, ओ मैगी चाउमीन जब बन जाएगी ना, फिर मैं तभी दिखाऊंगी आपको, क्योंकि इसकी रेसिपी तो मैंने पहले दिखाई भी है, तो मैं जब बन जाएगी मैं तभी दिखाऊंगी आपको। तो बन गई है चाउमीन,
और ये सारा देखो, ये सारा गंदा हो गया, अभी साफ किया था मैंने कुछ देर, पर ऐसे कामों में हो ही जाता है। तो अब इनको बच्चों को देती हूँ मैं, और इसमें मैंने हल्की सी हल्दी डाली है। तो यह सॉस के साथ विनेगर है, ये मिक्स है दोनों, तो यही डाला मैंने। और चिमटे का प्रयोग हो रहा है इसको निकालने के लिए, इससे अच्छे से आ रहा है, बहुत खुशबू आ रही है, महकी महकी सॉस है। और यह है ग्रीन चिली, अगर इनको ज्यादा चटपटी चाहिए, टिंटिन को नहीं चाहिए गाइस, हमें टिंटिन को ज्यादा चटपटी लगी रहती है, तो अगर उसको खानी तो ये है ग्रीन चिली। चलो तो गाइस आप भी इसको यूज ना करें, आप इसको यूज करें चॉपस्टिक को, और आप भी बन जाए हमारी तरह स्टिक से खाने वाले लोग। अभी मैं जाता हूँ अपनी पेट पूजा करता हूँ, बाय। चीकू को दे रही हूँ, वो भी खाएगा इसी से। चीकू ले, इतना सारा सॉस है, इतना क्यों डाल रहे है? इट्स माय चॉइस, क्योंकि हमें चटपटी लगी रहती है गाइस। तो ग्रीन वाली डाल ले, इतनी भी नहीं लगी रहती, जानवर ढूंढ रहा हूँ। अच्छा तो ये देखो क्या हलवा बना रहा है, हलवा ढूंढना है, हलवा ही है। तो विंटर में सारा ये बेड ऐसे ही रहता है, देखो विंटर में पूरे कंबल अम्बल फैले रहते हैं। और ये देखो चीकू को तो दे दिया इनको, और अब थोड़ा ही फिर गैस साफ करना पड़ेगा मुझे, और मैं तो खाऊंगी रोटी, मैं तो ही नहीं खाऊंगी। सब्जी है मेरे पास, सुबह की सब्जी पड़ी हुई है, भुज्जी बनाई थी मैंने सुबह, तो वो बचा हुआ, मैं उसके साथ रोटी खाऊंगी। तो चलिए दोस्तों यहीं पे मैं आपको बाय बाय करती हूँ, और फिर कल मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ट्रेड फेयर शायद खत्म हो गया संडे को, तो कौन कौन गया था जरूर कमेंट्स करके बताना, और कहाँ कौन से वाले उसमें हॉल में गए। हम तो तीन चार पांच ऐसे करके सारे जुड़े हुए थे, सारे हॉल तो उसी में गए, और कहीं जाने का टाइम ही नहीं मिला, तब तक अंधेरा हो गया था, और वो ही अंदर ही अंदर सब मिले हुए थे, तीन चार पांच ऐसे करके, तो उसी में ही टाइम लग गया हमको, पर था काफी अच्छा। तो चलिए दोस्तों बाय बाय यहीं पे, बाय, और अपना ख्याल रखिए।